मैम मैम आइए ना, बस 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 ये उस लेकिन वो आएंगे अभी, तो आप गाड़ी में बैठ के आपसे बात करवा दें। कितना जोर से और कितना जोर से डिस्चार्ज करेंगे? 12-1 बजे तक डिस्चार्ज करेंगे। मैं डिस्चार्ज कराने के लिए आई हूँ अभी। तबीयत कैसी है अभी उनकी? एकदम फर्स्ट क्लास सर, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे सांप बच गई, इससे सबसे बड़ी खुशी और क्या है? और नवरात्रा के बीच में ही जा रहे हैं ना घर, इससे बड़ा खुशी क्या मिलेगा बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैम मैम क्या चलने वाले हैं, और क्या तैयारियां की गई घर पे? कुछ खास तैयारी घर पे थे? अभी बीमार है तो क्या तैयारी करें, अभी नवरात्रा चल रहा है, पूजा प्रार्थना चल रहा है घर पे। कितने देर में निकलेंगे सर? निकलेंगे 12-1 बजे तक और यहाँ से उनको घर लेके जाएंगे। घर में भी डॉक्टर ने बोला है 6 हफ्ता बेड रेस्ट रहना है उनको, तो हम ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन लगने का डर है उनको, तो उनको अभी आराम करना है। इतना साल नाचे गए ना, तो थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है जी। बट रिकवरी का क्या बोला है डॉक्टर ने, कितने हफ्तों के लिए रेस्ट करना है कुछ बताया? 6 हफ्ता रेस्ट करना है जी। और घर पे क्या तैयारी चल रही है मैम? घर पे सिवाय पूजा पाठ के कुछ नहीं चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, वहाँ पे भी पूजा प्रार्थना चल रहा है, मैं भी घर से पूजा करके ही आई। और क्या क्या सहूलियत बोला है करने के लिए उनको? सिर्फ बेड रेस्ट करने बोला है और डाइट रखने बोला है, तो अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वी शुडंट पुट ऑन वेट, तो इसलिए अभी सिर्फ अच्छे से डाइट और रेस्ट के लिए बोला है। तो स्पेसिफिक डाइट वो तो डाइट हम देंगे। मैम कितना डर गए थे और कितना रिलीव आज फील कर रहे हो कि आज फाइनली गोविंदा जी घर जा रहे हैं? देखो डर तो लग गया था, लेकिन फिर मुझे माता रानी पे इतना भरोसा है कि मुझे पता था इसको कुछ नहीं होगा, वो ऐसे भी हीरो नंबर वन है, गोली भी निकल गई उसको निकाल छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। और बस सबका आशीर्वाद है, अब बस माता रानी इनको जल्दी ठीक कर दे। 6 हफ्तों तक इनको बेड रेस्ट बोला है, फिर अच्छे से खा पी के इनको तंदुरुस्त करके फिर नचवाएंगे इनको। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।